करते हैं एक्सरसाइज 10.2 से क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर कह रहे हैं प्रूव दैट इफ कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स सबस्टेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर्स देन द कॉर्ड्स आर इक्वल। तो इस क्वेश्चन को और इस स्टेटमेंट को समझते हैं डायग्राम के साथ में। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि जैसे दो सर्कल्स है और ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, तो दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल उसको बोलते हैं जिनका रेडियस भी इक्वल होता है। तो ए बी और सी डी इसी जैसे दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल का कॉर्ड है, ए बी और सी डी जिनका सेंटर ओ और ओ डैश है जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ, सच दैट एंगल ए ओ बी एंड सी ओ डैश डी आर इक्वल। तो एंगल ए ओ बी मतलब जो ये वाला एंगल है और सी ओ डैश डी जो ये वाला एंगल है, ये दोनों इक्वल है। और हमको प्रूफ क्या करना है, जो ये दोनों कॉर्ड है, दोनों सर्कल के जो ये कॉर्ड है ये आपस में इक्वल है, इस बात को हमें प्रूफ करना है। तो सबसे पहले इन दोनों ट्राइंगल को हम ले लेते हैं, इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल सी ओ डैश डी। तो यहाँ पर ये जो ए ओ है, इस ट्राइंगल ए ओ बी में जो ए ओ है ये सी ओ डैश के इक्वल है, सी ओ डैश के इक्वल है। और यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि ये दोनों ही रेडियस है, रेडियस ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल, तो कॉन्ग्रुएंट सर्कल के रेडियस है। और इसी तरीके से जो ओ बी है ये ओ डैश डी के बराबर है, तो ओ बी इज इक्वल टू ओ डैश डी। और सिमिलर यहाँ पे रीजन होगा, रेडियस ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल, और जो गिवन में है ए ओ बी एंगल, ए ओ बी ये इक्वल है एंगल सी ओ डैश डी के, ये चीज हमको गिवन दिया हुआ है। तो ए ओ बी और सी ओ डैश डी ये भी इक्वल हो गया गिवन में क्योंकि दिया हुआ है। तो हम बोल सकते हैं कि देयर फोर ट्राइंगल ए ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी ओ डैश डी। और यहाँ पे हमें रीजन में देना पड़ेगा क्योंकि हमने ये साइड इस साइड के बराबर किया, इस साइड को इस साइड के बराबर किया और इन दोनों के बीच में एंगल है, तो इस दोनों के बीच में इधर एंगल है। तो यहाँ भी आ जाएगा साइड एंगल साइड, ये कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया है, साइड एंगल साइड, दो साइड के बीच में एंगल, इस क्राइटेरिया से हमने दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर लिया। और अगर ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट मतलब एक दूसरे के ऊपर ये कॉन्ग्रुएंट है, फिट बैठ जाते हैं, तो इसको हम बोल सकते हैं कि इसके अंदर ये जो दोनों कॉर्ड है ये भी जरूर से इक्वल होगा। और ये होगा सी पी सी टी की वजह से क्योंकि इसका कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट है इसीलिए। तो देयर फोर ए बी इज इक्वल टू सी डी। तो हेंस जो हमारा फाइनल आंसर है, कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स आर ऑल्सो इक्वल, और ये हमारा आंसर हो गया। तो इस तरीके से जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये भी हमने सॉल्व कर लिया।